प्रधानमंत्री जी सुन लीजिएगा, ये देखिए आपका परिवार वही है, गुरमीत राम रहीम जी हैं, आसाराम बापू हैं, कुलदीप सेंगर हैं, नारायण साईं हैं, संत रामपाल हैं, वीरेंद्र सिंह दीक्षित हैं, भीमानंद है, परमानंद जी हैं, निर्मल बाबा हैं, तीनों आईटी के सेल हैं, अडानी, अबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, गोदी मीडिया, ये सब आपका परिवार है, यही परिवार है आपका। आपको गिना दे रहे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और शर्म होगी तो कुर्सी छोड़ देंगे, सिंहासन खाली करिए, आपसे पूरा देश नहीं चलने वाला है। शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी को, आना चाहिए कि जब तक सिलेंडरा माता, हम लोग उनको अब तक कह दिए हैं, जो भौंकती हैं, जो भौंक रही हैं, एक बार आकर के सामने भौंक देना हम लोगों के साथ। आज महिला के बारे में वो क्या बोलेंगे मंच पर खड़ा होके, किसी महिला को न्याय दिए हैं, किसी महिला को जो है सोचे हैं? कानपुर में दो बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बताए न्याय न मिलने पर उसके पिता ने बताया कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए, क्या वो नहीं परिवार था? जो मेहुल चौकसी जी जो 13,000 करोड़ रुपया लेकर के वो फरार है, भागे हुए हैं, वही उनका परिवार है। और ललित मोदी जी भी 6 करोड़ रुपया लेकर के भागे हैं, वही उनका परिवार है। और देखिए त्रिपुरा बीजेपी की सरकार, वहाँ रक्षक ही भक्षक बन गया, जो मजिस्ट्रेट थे वो खुद बलात्कारी थे। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और आज महिला दिवस है और इस मौके पर स्मृति ईरानी जी बहुत याद आ जाती हैं, क्योंकि भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है। दूसरी तरफ अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो जो अमेठी सीट है उस पर से राहुल गांधी के सामने एक बार फिर से स्मृति ईरानी खड़ी होना चाहती है, लेकिन जनता क्या सोच रही है इस पर, क्या वो इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे अमेठी की जनता से वो तो पूरे नहीं हुए, इसी पे चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है मैडम, स्मृति ईरानी महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं भाजपा पार्टी, और जो इस तरह से जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे, अमेठी सीट को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस है, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और आज महाशिवरात्रि है तो उसका भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पीडीए परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पीडीए परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महिला की जो बात कह रही हैं, और इस समय जो है महिलाओं के, देखिए पहले तो मैं महिला की बात करूँगी। देखिए महिलाओं की अगर बात आती है तो अभी आजकल देखिए ट्रेंड में बड़ा चल रहा है, जो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और परिवारवाद की जो बात आती है, तो क्योंकि ये देखिए मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में मंच से घोषणा की है कि मेरा परिवार है, कहे थे कि मेरा परिवार, बिल्कुल परिवार, जी परिवार कहे थे, तो उनका परिवार मोदी जी से ये सब जनता पूछना चाहती है कि ये पूरा देश भी जानना चाहता है बहन कि अगर बताइए कि उनके परिवार में जो मेहुल चौकसी जी जो 13,000 करोड़ रुपया लेकर के वो फरार है, भागे हुए हैं, वही उनका परिवार है, और ललित मोदी जी भी 6 करोड़ रुपया लेकर के भागे हैं, वही उनका परिवार है। और बताइए क्या हुआ है, आपके परिवार का सदस्य भी था, और ये सब सब कुछ आपने लिख रखा है? देखिए ये हम लोग लिख करके रखे रहते हैं, कब क्या किसी ने पूछ दिया तो बताना पड़ जाता है। 140 करोड़ में देखिए आप भी हैं, हम भी हैं, और भी सभी लोग, भाई लोग, सभी लोग हैं। अगर वो परिवार का सदस्य जानते हैं तो आप बताइए कि जो कानपुर में अभी घटना हुआ है, अभी पहले भी बताइए, 2 दिन की बात 4 दिन की बात है, कानपुर में दो बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बताए न्याय न मिलने पर उसके पिता ने बताया कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए, क्या वो नहीं परिवार था? वो भी तो परिवार उनका था। उन्नाव जिला में कुलदीप सेंगर सिंह बलात्कारी को सजा देने के बाद जब महिला को पीट पीट करके मार दिया गया, क्या वो महिला उनकी सदस्य नहीं थी? क्या वो महिला उनका सरकार उनका परिवार नहीं था? मध्य प्रदेश का मामला, महिला के साथ गलत काम करने के बाद पति ने गया वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए, तो पति को न्याय देने के बजाय वहाँ पर उसको जलील होना पड़ा और दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लिया, वो भी तो था परिवार था उनका। ये कहाँ सो रहे थे? उत्तराखंड में, जो कि बताइए कि वहाँ भाजपा डबल इंजन की सरकार है, जो कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलने के बजाय उसको पीटा गया, उनको मारा गया, और न्याय के लिए दर दर भटक रही है बेचारी को। और देखिए त्रिपुरा बीजेपी की सरकार, वहाँ रक्षक ही भक्षक बन गया, जो मजिस्ट्रेट थे वो खुद बलात्कारी थे, अब सोच लीजिए पहले।
मजिस्ट्रेट जो रक्षक था वो खुद जबकि भाजपा सरकार कहती है कि हमने क्राइम खत्म कर दिया, बुलडोजर चल जाते हैं घरों पे। कहा बुलडोजर तो वही तो आपको कह रहे हैं बहन, बीएचयू में तीन लोगों के साथ बोला देखे, तीन लड़के जो उनके आईटी सेल वाले थे, अब सामूहिक बलात्कार किए, खुलेआम वो सेल घूम रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह जो की पहलवानों के साथ क्या दुर्व्यवहार किए, उनके बताइए की उनको क्या बुलडोजर चला, ये नहीं चला, पूरी डायरी लेकर आप घूम रही है। ये महिला दिवस है बहन, आज महिला दिवस है तो महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए ना। आज महिला के बारे में वो क्या बोलेंगे मंच पर खड़ा होके, किसी महिला को न्याय दिए हैं, किसी महिला को जो है सोचे हैं? आप बताइए कानपुर में जो दो बेटी जल करके दो माँ बेटियां बताए जल करके मर गई, क्या वहाँ पदाधिकारी थे, सारे एसडीएम से लेकर के हर एक अधिकारी खड़ा था, क्या वो दोनों लोगों को न्याय मिला? नहीं मिला, कोई अधिकारी नहीं। आप बताइए कि बीजेपी के सरकार में एक राम दुलारे पश्चिमी के बीजेपी के बताइए रहने वाले नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करके नाला में फेंक दिया था, क्या वो बताइए वो नहीं परिवार की बच्ची थी? अभी तो 140 करोड़ में आती है। महिलाओं की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और पांडुचेरी में नाबालिग दलित बेटी के साथ बलात्कार करके उसको भी नाली में फेंका गया, वो भी तो बेचारी वो भी तो परिवार के सदस्य थी। महिला जज ने जो कि बताइए सबको न्याय देने वाली थी, इनकी इतनी सरकार में बताइए कि इतना चल गया था। मैं तो ये कहूंगी कि आप अपने ये कैमरे पे दिखा दें, ये पूरी लिस्ट बना पूरी लिस्ट बन पूरी लिस्ट है पूरी लिस्ट है ये देखिए पूरा ये भाजपा का कारनामा जितना उन्होंने किया, ये पूरी लिस्ट हम लोग लिख करके रखे रहते हैं, कभी आप लोग ने सवाल कर देंगे तो जरूरी रहता है ये सब रखना है। हरियाणा में बाबा नाबालिगों के साथ बताइए को वहाँ पर महिला के साथ बता रहे, आज महिला दिवस है और जगह जगह बताइए वही जो है जगह जगह भाजपा की जो महिला है जो उनकी जो खाती पीती जो घूमती है, जो उनको आंख अंधी करके घूम रही हैं, आज पंडाल लगा के बैठी हैं, भंडारा लगा रही हैं कि महिला दिवस है, प्रोग्राम कर रही हैं जगह जगह। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को कि जब महिला के साथ अत्याचार होता है तो वही महिला मुंह बंद कर लेती हैं। शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी को आना चाहिए कि जब तक सिलेंडरा माता हम लोग उनको अब तक कह दिए हैं, जो भौंकती हैं जो भौंक रही हैं एक बार आकर के सामने भौंक देना हम लोगों के साथ, भौंक करके तो देखिए उनको महिला ही सबक सिखाएंगी। और गुजरात में आपको भी पता है कि बिल्किस बानो मामलों में 11 सामूहिक बलात्कारियों को बताया कि भाजपा ने रिहा किया, महिला के साथ किया था ना, उसको भी तो रिहा किए थे, वो क्या वो परिवार के नहीं थे, उनका वही परिवार है जो बलात्कारी है, गुंडा है, मवाली जो घूम रहे वही उनका परिवार है। मणिपुर में देखिए जो घटना हुआ सबको हिला के रख दिया, पूरे विश्व को हिला परिवार कहते हैं तो परिवार में सभी लोग ठीक थोड़ी ना होते हैं, शायद इसलिए हो रहा। देखिए परिवार क्या सद वो खुद जब आदमी जब भारत में रहेगा तभी तो भारत के बारे में समझेगा, जब 3 दिन भारत में रहना 27 दिन विदेश में तो उनका परिवार तो विदेश में है, उनका परिवार विदेश में घूमता है। और बताए 2012 में देखिए निर्भया का जो कांड हुआ था आपको पता ही है, उनका बताइए कि चल रहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, जो कि जानती हैं कि इसमें केस बहुत जल्दी फाइनल होता है, उनका रोका गया, क्यों रोका गया है आपको भी पता है कि बीजेपी सरकार है किसी का कुछ भलाई करने वाली नहीं है बहन, कुछ भी नहीं। ये देखिए ये आपको इसमें बताइए कि आप वहाँ पर चले जा रहे हैं मगर 2 घंटा समय उस बहनों के लिए नहीं मिला कि जाकर के एक बार मिल लें, एक बार कह दें, और मंच से दहाड़ कर रहे हैं कि मेरा परिवार है। अरे परिवार उनके वही हैं, आपको गिना दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और शर्म होगी तो कुर्सी छोड़ देंगे, सिंहासन खाली करिए, आपसे पूरा देश नहीं चलने वाला है। आप क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, सुन लीजिएगा, ये देखिए आपका परिवार वही है, गुरमित राम रहीम जी हैं, आसाराम बापू हैं, कुलदीप सेंगर हैं, नारायण साई हैं, संत रामपाल हैं, वीरेंद्र सिंह दीक्षित हैं, भीमानंद है, परमानंद जी हैं, निर्मल बाबा हैं, तीनों आईटी के सेल हैं, अडानी अबानी नीरव मोदी विजय माल्या ललित मोदी गोदी मीडिया, ये सब आपका परिवार है, यही परिवार है ना आपका, यही परिवार है ना, कि सच्चाई नहीं दिखाते हैं आपका, बस खाली फोटो खींच कर देखते हैं। और भी मोदी जी को कहा जा रहा था कि ये अपना विकास करेंगे, यही विकास उनका है और कुछ विकास नहीं है महिलाओं के प्रति। बात कर रही है, महिला को सशक्तिकरण बना दिया है, देश में नौकरियां बांट दी है मोदी जी कह रहे हैं, तो क्या लगता है अब आधी आबादी को रिझाने के लिए नई नई स्कीमें लेकर आ रहे हैं, सिलेंडर के दाम भी कम कर दिए, 100 रुपए कम कर दिए, तब भी नारी आधी आबादी खुश नहीं होगी? अब देखिए सिलेंडर का दाम कहाँ कम किए हैं बहन, कौन
कहाँ आप सो रहे हैं, सिलेंडर का दाम कम किए हैं कि सिलेंडर बढ़ा दिए हैं? वो जब 400 सिलेंडर था तो वही जो है बताइए कि स्मृति रानी खोपड़ी पर लेकर के बताए डांस करती थी, नाचती थी, बताइए वहाँ पर करती, अब वही 1100-1200 हो गया है। अब मुंह बंद कर ले जाए, नारियों पर अत्याचार हो रहा है, वो नारी हो करके भी मुँह बंद कर लेती हैं अब मंच पर खड़ा हो करके, और कहीं अपने से बताइए बड़े आदमी को उनको शर्म आनी चाहिए कि कैसे बात करती हैं। बताइए वही आपको बता रहे हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कैसे वो बोल रही थी ना है? क्या उनका जो है तुलना कर पाएंगी? वो कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगी। वो बात कर रही थी इस तरह, वही उनका बात करने का तरीका है। वो एक बार उतर दें, इस बार तो अमेठी में क्या हुआ, 100 पर जब ना हार के जाएंगी, अमेठी वाले तो खड़े इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो किस तरह आधी आबादी के दिल में क्या है, क्योंकि आज विमेंस डे भी है था, तो हमने सोचा जान लें कि आधी आबादी क्या सोच रही है, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से आधी आबादी को रिझाने के लिए नए नए प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। फिलहाल क्या है नारियों की राय इस पर, क्या है जनता की राय इस पर, हमने आपको सुनाया। इसी तरह तमाम मुद्दों पर हम लोगों से बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।